वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं रिव्यू मूवी के अंदर जो बाकी तीन मूवी है उसका मैं रिव्यू करूंगा। पहला मूवी का रिव्यू मैंने कर दिया है, वो भी जाके देख सकते हैं। ये तीनों मूवी कैसा था, देखना चाहिए या नहीं, वही बात करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले किन हो जाए, तो पहला मूवी मतलब एंथोलॉजी के अंदर जो सेकेंड मूवी है उसका नाम है बैड रुपया। इस मूवी के अंदर स्टारकास्ट में है के मैनन एंड और भी कैसे टॉलीवुड के एक्टर। अब बात करते हैं मूवी का स्टोरी कैसा है। के मैनन का जो कैरेक्टर है वो अपने लाइफ से उतना ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ही अकेला रहता है, अकेला लोनली फील करता है, लेकिन वो अपने दादी से बहुत प्यार करता है। एक दिन उसका दादी मर जाता है, इसके बाद क्या होता है वो आप लोग को ही देखना होगा। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बेंगोली मूवी भिंचिदा की तरह है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सीजित मुखर्जी एंड इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है सीजित मुखर्जी ने। एंड इस मूवी का जो डायरेक्शन, एक्टिंग, स्टोरी बोलने का स्टाइल, सब प्रेजेंटेशन सब अच्छा था। ज़्यादा कुछ स्टोरी के बारे में नहीं बोलूँगा, नहीं तो मज़ा चला जाएगा, जाके सिर्फ देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं ये मूवी को 7 out of 10 रेटिंग देने वाला। थर्ड मूवी का नाम है हंगामा क्यों बढ़पा। इस मूवी की स्टारकास्ट में है मनोज बाजपेयी, गजराज राव एंड और भी कैसे अच्छे एक्टर। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। इस मूवी का जो स्टोरी है सेकेंड मूवी से भी अच्छा है। पहले इस मूवी का मैं रेटिंग दे देता हूँ 9 out of 10, ठीक है। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, उतना कुछ स्टोरी बताऊंगा नहीं, नहीं तो इस मूवी का भी मजा चला जाएगा। छोटा करके बता देता हूँ, एक ट्रेन में एक सायर एंड एक पहलवान सफर करते हैं। बाद में क्या होता है वो आप लोग को खुद देखना पड़ेगा, लेकिन इतना कहूँगा इसका जो क्लाइमैक्स है एंड इसका जो सब डायरेक्शन, एक्टिंग सब जो है बहुत ही अच्छा, सिर्फ जाके देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड इस मूवी में कुछ ड्रीम सीक्वेंस है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया अभिषेक चौबे ने, बहुत ही अच्छा काम किया। लास्ट मूवी का नाम है स्पॉटलाइट। इस मूवी को डायरेक्ट किया बसंत बाला ने। इसका जो स्टोरी है, एक एक्टर है उसको एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं आता, लेकिन उसका जो लुक है इसलिए वो इंडस्ट्री में चल रहा है। एंड इस एक्टर के लाइफ में एक दीदी आता है, फिर कैसे अपना पूरा लाइफ चेंज हो सकता है वही देखना पड़ेगा ये मूवी का अंदर। इसका जो इंटेंशन है वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन स्टोरी बोलने का जो स्टाइल है वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए थोड़ा वीक लगा मुझे ये स्टोरी। एंड इस मूवी का जो डायरेक्शन है सब अच्छा था एंड एक्टिंग वैक्टिंग सब अच्छा था, हर्षवर्धन कपूर ने भी अच्छा काम किया। इस मूवी का स्टोरी उतना अच्छा नहीं था, मीडियम सा था, ठीक है। इस मूवी को मैं 5 out of 10 रेटिंग देने वाला हूँ, एक ठीक ठाक सा था, उतना भी अच्छा नहीं। पर मुझे सबसे अच्छा लगा हंगामा के ऊपर का, वो एकदम ही लाजवाब था, उसका क्लाइमैक्स है सब। और ये सब चारों मूवी के अंदर थोड़ा गाली गलौज है, थोड़ा एडल्ट सीन है, इसलिए थोड़ा संभाल कर देखना, ठीक है। और यही था, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।